नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। घड़ी में 6:30 बज चुके हैं और वक्त हो गया अपने दर्शकों से जुड़ने का। दोस्तों, रामचरितमानस से जो विवाद शुरू हुआ था बिहार से, वो कहीं ना कहीं यूपी में आके रुका हुआ है और यूपी की राजनीति काफी गर्मा गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर एक बयान दिया था, उसे विवादित बताया था और उससे भड़काऊ बताया था, जिसके बाद से ये बयान टिप्पणी बढ़ती गई और ये बयान यूपी की राजनीति को काफी गर्म और तल्ख कर रहा है। हाल ही में 22 जनवरी को सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं, उन अंशों से उन्हें आपत्ति है, क्योंकि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। वो खुद एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कुछ अंश ऐसे लिखे हैं जिससे शूद्रों के लिए आपत्ति उन्होंने जताई थी, जिसके बाद से तमाम अटकलें थी, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव क्या कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने उनके बयान का समर्थन करते हैं, या उन्हें जरूर डिफेंसिव होकर उन्हें जरूर कुछ ना कुछ सजा मिलेगी या खरी खोटी जरूर सुनाई जाएगी। क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने खुद को उस बयान से अलग कर लिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, वहीं बीजेपी तो लगातार इस बयान को लेकर सपा पर और अखिलेश यादव पर खुद पर बहुत सवाल उठा रही थी और ये उम्मीद कर रही थी। और समाजवादी पार्टी के भी कुछ बड़े नेता जो ब्राह्मण और ठाकुर जो सवर्ण जाति से आते हैं, वो भी उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय प्रमुख, वो कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य को उनको नसीहत भी देंगे और समझाएंगे कि उनका जो बयान है वो गलत था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अखिलेश का रुख बदला नजर आता है। बदला किस तरह? शनिवार को अखिलेश यादव की बैठक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुई, उसके बाद अगले दिन स्वामी प्रसाद मौर्य की पदोन्नति हो जाती है, जिससे साफ जाहिर होता है और साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चर्चा का विषय ये कि आखिरकार अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा 2022 चुनाव से चंद दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, और उसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अखिलेश यादव 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार जो सीटें हों सपा को, खासतौर पर मुस्लिम यादव फैक्टर से अलग, उनका साथ तो रहे, उसके साथ ही उन्हें दलित और अति पिछड़ा वर्ग जो है उनका समर्थन भी जरूर मिले। और स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे नेता हैं जो यूपी के अति पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है और उनकी पदोन्नति की गई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रामचरितमानस पर कुछ सवाल करूंगा, क्योंकि वो एक संस्थान से आते हैं, वो खुद योगी हैं, तो वो जरूर ये बताएंगे कि रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कुछ अंश ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं, उनके अर्थ वो जानना चाहेंगे। जैसे उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया था दो दिन पहले, ताड़ना शब्द का अर्थ वो जानना चाहेंगे कि ताड़ना रामचरितमानस ने किन के लिए यूज किया, किन के लिए इस्तेमाल किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलना भी जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को शूद्रों से घिन आती है, उन्हें लगता है जो शूद्र है, जो नीची जाति के लोग जिन्हें माना जाता है खासतौर पर यूपी में, उन्हें किसी भी धार्मिक प्रोग्राम होगा तो उसमें जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसा अखिलेश यादव का कहना है कि ऐसा कभी हुआ है कि भाजपा का कोई कार्यक्रम हो और उसमें कोई शूद्र या नीची जाति के लोग आते हो और उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया जाता हो। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा ही सवर्ण का समर्थन करती रही है। लेकिन इससे अगर मैं आपको बता दूं, पूर्वी यूपी के एक बड़े नेता जो पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष, और 2022 चुनाव में यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर सपा में आ गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी उम्मीद कर रहे थे और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल भी उठा रहे थे। उन्हें भी उम्मीद थी कि शायद अखिलेश यादव कुछ न कुछ उनसे सफाई मांगे या नसीहत जरूर देंगे कि वो अपने बयान को लेकर माफी मांगे, उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ का कहीं ना कहीं अपमान किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2017 में इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ थे और भाजपा को कहीं ना कहीं
ओम प्रकाश राजभर का साथ और समर्थन काफी अच्छा मिला था। यही कारण है सवर्ण जाति के साथ अति पिछड़ा वर्ग जो है उसको भाजपा लुभाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही थी। ये वही लीग है, ये वही कड़ी है जो मायावती की से शुरू हुई थी कि बसपा 2007 में यूपी में जीती थी, सरकार बनाई थी और बसपा ने जिन पर वोट जिन वोटों को लुभाने की कोशिश की थी वो थे दलित। दलित के अलावा मुस्लिम्स को भी लुभाने की कोशिश की थी लेकिन दलित को हमेशा बसपा ने लुभाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं मायावती इस मुहिम में कामयाब भी रही थी। और यही सेम कड़ी भाजपा ने भी लुभाने की कोशिश की और भाजपा भी कामयाब रही, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव हो। यही कारण है कि सवर्ण जाति के साथ अति पिछड़ा वर्ग को लेकर चलने में भाजपा कामयाब रही है। यही कारण है अब अखिलेश यादव भी ऐसा लगता है अपनी राजनीति मुस्लिम यादव फैक्टर की जगह इनको साथ लेकर चल, इनको तो साथ लेकर चलना ही है लेकिन साथ ही में अति पिछड़ा वर्ग को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा गणित इसलिए लगता है क्योंकि अब मुस्लिम जैसे कि अभी हाल ही में जो परसों जो रविवार को जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की उसमें 64 सदस्य, पहले 54 थे जिनमें इजाफा किया गया, अब 64 हो गए। उसमें ज्यादा से ज्यादा अखिलेश यादव ने अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश की और अति पिछड़ा वर्ग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो नेता वहां से आते हैं उन्हें अच्छा दर्जा उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ साथ अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग को भी साथ लेकर चले क्योंकि यूपी में दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है और इसका सीधा सीधा फायदा जो वहां का नेता होगा, जो उस जगह का नेता होगा, जो उस प्रांत का, उस क्षेत्र का नेता होगा, उसके समाजवादी पार्टी से जुड़ने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को सीधा सीधा मिलेगा, चाहे वो 2024 का चुनाव है, हो सकता है 2022 के बाद। अब 2027 की तैयारी भी अभी से अखिलेश यादव ने उसका रोडमैप शुरू कर दिया होगा, उसका रोडमैप तैयार कर लिया होगा। यही अटकलें कम से कम अखिलेश यादव की तरफ से तो समझ में आती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव ने लगातार भाजपा पर सवाल उठाना जारी रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है कि वो एक संस्थान से आते हैं, वो जरूर पूछेंगे कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है, वो शूद्रों के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि मुस्लिम यादव के साथ साथ वो उनकी कोशिश यही है जो कुम्हार हैं, जो तेली हैं, जो कोली वर्ग के लोग हैं, इन जातियों को अखिलेश यादव अपने साथ लेकर चलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि 2024 में समाजवादी पार्टी को अपने खुद के लेवल पे काफी ज्यादा फायदा हो। इसके अलावा विवाद गरमाया हुआ है, काफी लगभग महीना भर होने जा रहा है, ये विवाद थम नहीं रहा है क्योंकि इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी खुद कहा था, उन्होंने एक दो तीन अनुच्छेद दो तीन अंशों को पढ़कर सुनाया था, उन्होंने ये कहा था कि खुद गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि इसमें ऐसा वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो उन्होंने अपनी जो अपने जो विचार थे वो इस ग्रंथ में लिखे हैं और काफी कुछ उन्होंने कहा था। उन्होंने कुछ अंशों को पढ़कर बाकायदा सुनाया था और उन्होंने कहा था कि इन अंशों में साफ जाहिर होता है कि जो शूद्र हैं, जो नीची जाति हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और खासतौर पर महिलाओं और जो दलित वर्ग से लोग आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है उसमें कहीं ना कहीं आपत्ति उन्होंने लिखी है, आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सरकार को इसमें पूर्ण रूप से संज्ञान भी लेना चाहिए और जो विवादित अंश है उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए हटा भी देना चाहिए। ये खुद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कहते हुए आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है मैं अपनी बात पर अड़िग हूं और मैं इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगने वाला हूं क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूं, मैं खुद ओबीसी से हूं और जिस जगह से मैं आता हूं मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने प्रांत अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी जाति के लोगों को उनका उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करूं। यही कारण है मैं शूद्र या अति पिछड़ा वर्ग और या फिर दलित वर्ग के जो भी लोग हैं उनका अपमान सहन नहीं करूंगा, चाहे वो किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखे हुए कुछ अंश हो। तो उन्होंने खासतौर पर कहा था कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो ये अंश शूद्रों के प्रति खासतौर पर लिखे हैं और उनके अपमान के
तहत लिखे गए हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथ होने के बावजूद ये जो अंश हैं वो विवादित नजर आते हैं, वो अपमानित नजर आते हैं एक समुदाय, एक कम्युनिटी के लिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। इसके अलावा मैं ओवरऑल टॉपिक तो कंप्लीट कर ही चुकी हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे जो शूद्र हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित हैं, वो उन्हें ठेस पहुंचती है, तो क्यों ऐसा कृत्य किया जाए जिससे किसी समुदाय को इतनी ज्यादा ठेस पहुंचे, ये खास तौर पर उन्होंने कहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि लखनऊ में उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई है इस बयान को लेकर। उम्मीद ये की जा रही थी कि अखिलेश यादव भी कड़ा रुख अपनाएंगे और कुछ ना कुछ उनकी गिरफ्तारी या फिर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने उल्टा उनकी पदोन्नति करते हुए उनका समर्थन कहीं ना कहीं मौखिक रूप से तो नहीं कहा कि वो इस बयान का समर्थन करते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जरूर पूछेंगे, क्योंकि वो खुद एक बड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं और एक संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद योगी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है, क्या रामचरितमानस में वाकई महिलाओं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका अपमान करने की कोशिश की गई है। बहरहाल, इस बारे में आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि यूपी की राजनीति अब क्या रामचरितमानस के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, क्योंकि जिन अंशों का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुम्हार, तेली, कोली, इन सब जातों के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो खास तौर पे ये जाति उत्तर प्रदेश में और पूर्वी यूपी में बहुत बड़ी तादाद में है, तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर कोई भी पार्टी हो, इन जाति को छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो फायदा उस पार्टी को जरूर पहुंचेगा जो इन जाति का ख्याल रखती है। तो आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव रामचरितमानस विवाद पर डिफेंसिव होने की बजाय किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई 2024 के लिए मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ साथ ओबीसी और दलित को भी दबाने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य को पद बढ़ाते हुए की जा रही है, जरूर बताइए कमेंट करके। आपके जो भी पॉइंट है, जो भी राय है, हमें भी जरूर बताइएगा। कल फिर मिलूंगी इसी वक्त, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि कल बजट का दिन भी है, तो बजट से जुड़ी भी कुछ खबरें बताऊंगी। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है और दरख्वास्त की है कि विपक्ष तकरार ना करे, तकरीर करे। अब क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने सदन खाली कर दिया, द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले उन्होंने इसका विरोध करते हुए वहां पर मौजूद नहीं रहे थे। वहीं तेलंगाना की बीआरएस पार्टी ने भी अभिभाषण का विरोध किया, जो कि एक तरह से सदन में सही नहीं लगता है। उन्हें किसी विपक्ष को किसी बात का विरोध भी करना है तो कम से कम वो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसमें तो सीमित रहना चाहिए था। खैर, कल बजट से जुड़ी कुछ चीजों पर, कल किस तरह का बजट आम जनता को मिलेगा, मिडिल क्लास को किस तरह राहत मिलेगी, या फिर बजट अगले एक साल के लिए आम जनता के लिए मुसीबतें पैदा करेगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेंगे। क्योंकि अगर GDP के लिहाज से देखा जाए तो 7% का दर रखा गया है और यही उम्मीद की जा रही है कि 7% का दर रखा जाएगा, तो इसे अचीव करने में सरकार कितनी कामयाब होगी और इसके लिए क्या स्लैब तैयार किए, क्या टैक्स स्लैब होंगे, किस चीज़ में रिडेम्पशन होगा, किस चीज़ में एग्जम्पशन होगा, ये कल ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ राहत मिले। चलिए, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर मिलूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट।